चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्लास 12th मैथ से चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अवकलन करना है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल e की पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, e की पावर x और अपॉन साइन x। तो यहाँ पर डिवाइड का रूल करेगा, तो डिवाइड का रूल क्या होता है सबसे पहले आपको समझना है। ऊपर वाले को मैंने फर्स्ट माना और नीचे को सेकंड माना, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अपॉन सेकंड। अब यहाँ पे जो नीचे वाला है सेकंड, इसका स्क्वायर करना है, और जो अपने पास ये है सेकंड, इसको हम छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। बीच में माइनस लगेगा डिवाइड में, डिवाइड वाले रूल में, और फिर यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट को छोड़ देंगे और किसका कर देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये रूल पता रहेगा आपको, ये रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस रूल से अपना डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब हम इसका हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या करेंगे इसका करेंगे, तो d by dx y का किया हमने, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जब e की पावर x और साइन x का करेंगे तो क्या होगा हमारा, नीचे वाला तो पूरा साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, ये हम सेकेंड को छोड़ रहे हैं, इसको यहाँ पर देखिए ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो इसमें क्या करना, इसमें क्या किया है, सेकेंड को छोड़ा है, तो साइन एक्स को हम छोड़ देंगे, इसका बाद में करेंगे। पहले किसका, डी बाई डी एक्स ई एक्स का कर देते हैं, ई एक्स माइनस का साइन, अब फर्स्ट को छोड़ेंगे, तो फर्स्ट क्या है ई एक्स, तो इसको छोड़ दिया, सेकेंड को कर लेते हैं, सेकेंड क्या है साइन एक्स। अब आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, इनका अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, और d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए आगे, ये एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन x का तो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे हम, ई एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस एज इट इज ई एक्स, एज इट इज साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स। यहाँ पे ई एक्स का अवकलन क्या था, ई एक्स, तो ई एक्स का अवकलन मैंने ई एक्स कर दिया। साइन एक्स का अवकलन क्या, डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो ये कोस एक्स। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप देख लीजिए ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स यहाँ पर कॉमन है, तो मैं यहाँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ, e की पावर x कॉमन निकाला और क्या बचा, साइन x माइनस कोस x अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। यही हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर और भी वीडियो है तो जाकर देख सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।